नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। चीन में कोरोना वायरस के कहर का असर अब पूरी दुनिया में होता नजर आ रहा है। चीन में जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई है, उससे भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई। कोरोना को लेकर राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। बता दें कि जिस ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ने चीन में कहर बरपाया है, भारत में भी उसके 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के LSE पर विशेषज्ञ अभियानों के लिए तैनात किया गया है। गरुड़ कमांडो चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से चीनी सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। गरुड़ कमांडो को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि गरुड़ विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है, जहाँ वे जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ अभियान चलाएंगे। संसद में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन की कार्रवाई का आज पांचवा दिन है। संसद में चीन सीमा विवाद को लेकर आज भी हंगामा जारी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई आज यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू की गई। राज्यसभा में जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए 3 और बिल पेश करने वाले हैं। इसमें तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने की बात की है। ये 3 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। आज भी विपक्ष ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं आज शीतकालीन सत्र के 3रे कार्य सप्ताह का 4था दिन है और कई अहम बिल आज भी पेश होने वाले हैं। गुजरात के बाद पंजाब देश में बेहतर कानून व्यवस्था वाला दूसरा राज्य बन गया है। देश के सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जारी की गई सर्वे की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें गुजरात को पहले स्थान पर और पंजाब को दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने इसके लिए समूचे पंजाबियों व समूची पंजाब पुलिस फोर्स को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब ने अपने दूसरे स्थान को 2022 में भी बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि वे समाज के भी आभारी हैं, जिन्होंने पंजाब पुलिस को समय समय पर अपना पूरा सहयोग दिया है। DGP गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को गैंगस्टर व नशों से मुक्त राज्य बनाने का जो लक्ष्य दिया है, उसे पूरा करने के लिए ही पंजाब पुलिस लगातार लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कानून व्यवस्था को लेकर जारी हुए आंकड़ों में पंजाब को दूसरा स्थान हासिल होने पर पंजाब पुलिस व उनके समूचे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर पंजाब में आपसी भाईचारे व शांति को कायम रखेंगे, पंजाब को रंगला पंजाब बनाकर रहेंगे। यूपी के एटा में एक फर्जी एनकाउंटर में अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। दरअसल इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में 16 साल बाद गाजियाबाद की CBI अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अदालत ने 5 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोष करार किया गया है। कोर्ट ने इन पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की अदालत ने सजा सुनाई है। इसके अलावा एनकाउंटर में शामिल रहे एक सब इंस्पेक्टर की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं राजाराम के परिवार वालों ने भी अदालत के फैसले का सम्मान किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तो दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वे अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। दिल्ली की एक अदालत में श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत में पेश किया जा रहा है। आफताब के वकील ने 17 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अपने मुवक्किल से बातचीत करने के लिए समय मांगा था। आफताब ने एक ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि उसने वकालतनामे पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका वकील उसकी तरफ से जमानत।
अजनौला थाना क्षेत्र के गुराला गांव में एक महिला के शव को दफनाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के मामले के आधार पर कब्र खोदकर फिर से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार कश्मीर निवासी अजनौला ने पुलिस को बताया कि उसकी लड़की कोमल का करीब 17 साल पहले शमशेर सिंह निवासी गुराला के साथ विवाह हुआ था, जिसके 3 बच्चे हैं। 17 दिसंबर को फोन आया कि कोमल की करण लगने से मौत हो गई, जिसके बाद 18 दिसंबर को रस्मों के मुताबिक उसको दफना दिया गया, लेकिन दफनाने के बाद पता लगा कि कोमल की मौत करण लगने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस संबंधी जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका की माता कश्मीर कोर द्वारा सूचना दी के मुताबिक ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को खोदकर 174 की कार्रवाई कर रहे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों द्वारा पुष्टि करने पर जो भी मामला सामने आएगा उसके मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,515 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,402 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में संक्रमण से एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,681 हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 6 मामलों की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। देश में अब तक कुल 4,41,42,432 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। उत्तर बिहार में भी घने कोहरे की चपेट में है, वहीं विजिबिलिटी भी कम रहने से गाड़ियां दुर्घटना की शिकार होने लगी हैं। गुरुवार की सुबह सुबह गोपालगंज सिवान NH 531 पर ट्रक पिकअप और कार आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद NH पर वाहनों का परिचालन वन वे हो गया। हादसे की सूचना पाकर उचका गांव और थावे गांव थाने की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है। दूसरी तरफ NH 27 पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में 2 लोग जख्मी हो गए। जिला प्रशासन ने हाईवे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने और वाहन चालकों से गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाने की अपील की है। लुधियाना की साइकिल बनाने वाली कंपनियों को वेस्ट बंगाल सरकार ने 10,50,000 साइकिलों का सरकारी टेंडर अलॉट किया है। इस टेंडर के जरिए साइकिलों की सप्लाई A1 साइकिल लिमिटेड, हीरो साइकिल व हीरो इकोटेक मिलकर करेंगे। इसके आने से सबसे ज्यादा खुशी की लहर साइकिल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में है, जो इन कंपनियों को बतौर वेंडर माल सप्लाई करती है। कोविड के बाद से वेस्ट बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने सरकारी टेंडर निकाल साइकिल इंडस्ट्री में नई जान फूंकी है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार को लुधियाना की इंडस्ट्री 6,50,000 साइकिल सप्लाई कर चुकी है और इसी के साथ गुजरात सरकार की ओर से भी 3,00,000 साइकिलों का टेंडर सेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और हीरो एक्टेक को मिला है। इसकी सप्लाई की तैयारी जोरों पर चल रही है। कुल मिलाकर अब तक लुधियाना की इंडस्ट्री को 20,00,000 साइकिल का सरकारी ऑर्डर आ चुका है। कोविड के बाद से साइकिल पार्ट्स की मांग में काफी गिरावट आ गई थी, जिसके चलते कारोबारियों के माथे पर चिंता की साफ लकीरें देखी जा सकती थी, लेकिन अब ट्रेंडरों ने उनके चेहरे पर नई रौनक ला दी है। गोमाता की रक्षा तथा गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए पैदल यात्रा पर निकले संत शिवराज सिंह शेखावत का गुरदासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान का रहने वाला नौजवान शिवराज कुछ अलग तरीके से गोमाता को प्यार करता है। 28 वर्षीय शिवराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 5,00,000 की नौकरी और घर परिवार को छोड़कर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का मकसद से भारत में पैदल यात्रा कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पैदल यात्रा 2 सालों तक चलेगी। गोमाता में करोड़ों देवी देवता का वास होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि गौशाला में गायों को रखने के लिए आर्थिक मदद की जाए। भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें दूसरे टेस्ट मैच में आज आमने सामने हैं। यह मुकाबला मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। KL राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने चटगांव टेस्ट मैच 188 रन से अपने नाम किया था। टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे, चोट की वजह से रोहित टीम से बाहर हैं। ऐसे में KL राहुल और शुभम गिल की जोड़ी पारी की शुरुआत करती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।